वेलकम बैक एवरीवन। तो गाइस फ्री फायर में जो नया अपडेट आया था उसमें फ्री फायर में बहुत सारे ऐसे ऐसे कैरेक्टर को ओवर पावर्ड किया गया है जिससे बंदा पूछता भी नहीं था, लेकिन अभी रैंक एंड सीएस में वही सब यूज कर रहा है। साथ ही साथ कुछ कुछ बेस्ट कैरेक्टर को बेकार भी कर दिया है, लाइक क्रोनो की जो स्किल ड्यूरेशन है उसको डिक्रीज कर दिया है एंड यूकोंग की जो स्पीड है ना उसको डिक्रीज कर दिया है। ना मेरे पास 5 ऐसे कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है जिसको यूज करते ही आप भी बोलोगे क्यों हिला डाला ना। तो मेरे पास हाई स्पीड, हीलिंग, फायर डैमेज, फोरमैन स्क्वाड, बैलेंस स्किल कॉम्बिनेशन है जो सभी फैक्टर के लिए फुल वर्थित है। एंड कमेंट्स में आप लोग सभी प्रेजेंट स्किल कॉम्बिनेशन बताओ सीएस का, वो भी सबको ऐसा लिखना गाइस, ठीक है। माय सीएस कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन इज दिस 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 कैरेक्टर, ओके, तब मुझे समझने में आसानी होगी। बाकी स्टार्ट करते हैं अपना नंबर 5 हाई स्पीड स्किल कॉम्बिनेशन। तो ये स्किल कॉम्बिनेशन एक मूवमेंट प्लेयर के लिए जिसको मूवमेंट करना बहुत पसंद है, तो इसके एक्टिव में हम लेंगे ड्रॉप द बीट आलोक, क्योंकि क्रोनो से अच्छा फिलहाल मुझे तो आलोक ही लग रहा है क्योंकि इसका जो कूलडाउन सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। ऐसी फर्स्ट लॉट में हम लेंगे बुलेट बीट डीबी कैरेक्टर, क्योंकि इसके खास बात ये है कि फायर फायर करते अगर आप मूवमेंट करोगे तो आपका स्पीड इंक्रीज होता है। एंड सेकंड पैसिव शॉट में आएगा आपका नटी मूवमेंट जोसेफ, बेस्ट कैरेक्टर स्किल अगर आपको एनिमी से बचना है, पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं। एंड थर्ड स्किल स्लॉट में होगा डेडली वेलोसिटी द केली, वन ऑफ द मोस्ट यूज कैरेक्टर इन फ्री फायर। प्लस इस कैरेक्टर का स्पीड एंड नॉर्मल कैरेक्टर के स्पीड से कितना बड़ा डिफरेंस होता है वो तो आपको पता ही है। हाई स्पीड कॉम्बिनेशन खत्म, अब आएगी नंबर 4 स्किल कॉम्बिनेशन, वो है डैमेज स्किल कॉम्बिनेशन। ये स्किल कॉम्बिनेशन बेसिकली उन सभी के लिए जिनको अपनी फायरिंग पावर की वजह से बुया निकालनी है। सच बता तो ये स्किल कॉम्बिनेशन एक 1 मिलियन वाला यूट्यूबर भी यूज करता है, नाम नहीं लूंगा। बाकी बात रही इसका एक्टिव स्लॉट का, तो यहां हम यूज करेंगे रिपटाइड राइथम स्काइलर, क्योंकि ग्लूवाल 4 के डायरेक्ट एनिमी को मारने में जो मजा है वो और कहीं नहीं गाइस, ठीक है। साथ ही साथ आपको पैसिव स्लॉट नंबर 1 में लेना है आर्ट ऑफ डेमोलिशन अल्वारो, क्योंकि इससे आपको एक्सप्लोसिव डैमेज के साथ साथ नॉर्मल डैमेज का रेंज भी इंक्रीज हो जाता है जो एक प्लेयर को चाहिए। एंड सेकेंड स्लॉट में आपको लेना है डैमेज डिलीवर्ड 0, क्योंकि डैमेज ऑन द मार्क एनिमीज से आपको आर्मर पेनिट्रेशन बहुत मिलता है। लास्ट स्लॉट में आपको लेना है बसीतो द इविल हायातो, इसमें आपको इलाइट हायातो भी है। ये स्किल कॉम्बिनेशन फायर डैमेज की शान है। तो फायर डैमेज स्किल कॉम्बिनेशन खत्म। नेक्स्ट है नंबर 3 फोरमैन स्क्वाड स्किल कॉम्बिनेशन। ये स्किल कॉम्बिनेशन बेसिकली स्क्वाड को देख के बनाया गया है, तो एक्टिव में हम लेंगे चूज करेंगे कैमोफ्लोज किंग उकोंग, क्योंकि सबको पता है ये फोरमैन जैसे मोड को आराम से हैंडल कर लेती है। सीएस में तो इसको ज्यादा यूज होती है। एक्टिव इज क्लियर, इसका पैसिव में क्या होगा? तो फर्स्ट स्किल होगा अपना डेड साइलेंट एंटोनियो, न्यू अपडेट में इसकी स्किल को और बेहतर किया गया है। एंड सेकेंड स्लॉट में आएगा द शार्प शूटर लोरा कैरेक्टर, क्योंकि आपको एंड मुझे भी पता है कि लोरा किस काम की है एंड इसके एडवांटेज क्या है फोरमैन में। एंड बात रही लास्ट स्किल स्लॉट का, तो वो है केली या फिर इलाइट केली, दोनों चलेगा। तो फोरमैन स्क्वाड स्किल के कॉम्बिनेशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है नंबर 2 बैलेंस स्किल कॉम्बिनेशन। अब ये स्किल कॉम्बिनेशन उन सबके लिए जिसको न्यूट्रल खेलना पसंद है, ना ज्यादा ना कम, न्यूट्रल दैट इज बैलेंस कैच, ठीक है। तो इसके एक्टिव में हम चूज करेंगे मास्टर ऑफ ऑल के कैरेक्टर, भाई के जिनके जिनके पास है 80% गेम में बुया उनका होता ही है, क्योंकि ये ईपी एंड एचपी कंटिन्यूअसली देते रहता है यूजर को। एंड बात रही इसकी फर्स्ट पैसिव स्लॉट की, तो वो है हैकर आई मोको, क्योंकि इसकी स्पेशल मार्क टू एनिमी सबसे यूनिक है और अगर इलाइट मोको हो तो आप और लेजेंडरी बन जाएगी, है कि नहीं। एंड सेकंड स्किल स्लॉट में आप लेना आर्मर स्पेशलिस्ट एंड्रयू, क्योंकि ये स्किल से आप 90% गोली बचा सकते हो खुद में, वैसे भी ओल्ड इज गोल्ड। एंड लास्ट स्किल नंबर 3, तो गाइस बैलेंस स्किल कॉम्बिनेशन है एंड ऐसे में अगर आपको ग्लूटूनी मैक्सिम को यूज नहीं करोगे दिस इज टोटली अनफेयर। लास्ट स्किल है बेस्ट हीलिंग स्किल कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन उन सब के लिए जिनको सीएस एंड फुल मैप वगैरह में हील फाइट करने से बुया करना पसंद है, ठीक है, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। तो एक्टिव में हम लेंगे के या फिर A124, दोनों में से कोई एक ले लो गाइस, ठीक है, क्योंकि दोनों ईपी को एचपी में कन्वर्ट करता है जल्दी जल्दी। साथ ही साथ फर्स्ट स्किल स्लॉट में आप लेना रेसर्स ब्लेसिंग नोटोरा, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते तो ये आपको 5 HP हर सेकंड देती रहेगी, ठीक है, हर सेकंड, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एंड सेकंड स्किल होगा आपका क्रेजी स्लेयर मिगवेल, क्योंकि ये कोई ऐसा स्किल भी तो चाहिए ना गाइस जो ज्यादा से ज्यादा ईपी भी दो हमको, तो मिगवेल उनमें से एक अच्छा स्किल है गाइस, ठीक है। एंड लास्ट पैसिव स्किल होगा मैक्सिम फास्ट मेडिकेट मारने के लिए। तो सारे स्किल कॉम्बिनेशन सभी फैक्टर में यूनिक है। ओके एंड गाइस अगर आपको भी मेरे जैसे बस यूआईडी देके फ्री में 520 डायमंड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और रूटर ऐप को
को डाउनलोड करो एंड आपको बस लाइव स्ट्रीम देख के कॉइंस कलेक्ट करना है।